अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आज हम बनाएंगे बैगन और अंडे की एक रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और क्विक रेसिपी है। आप इसको सुबह नाश्ते में खा सकते हैं, रात के डिनर में भी, या आप शाम में चाय के साथ भी खा सकते हैं और बहुत ही टेस्टी लगती है। इसके लिए हमें लगेगा एक बैगन बड़ी साइज़ का और दो अंडे लगेंगे। साथ ही में हम इसमें लेंगे, ये हमारे पास स्प्रिंग अनियन है, इसको हमने लिए है एक मुट्ठी भर के कट करके बारीक, और आधा टमाटर है मीडियम साइज़ का, और हमने शिमला मिर्च ली इसको भी बारीक चॉप किए, और थोड़ी सी हमने गाजर लिए इसको भी हमने बारीक चॉप किए, एक ग्रीन चिली है, 2 टेबल स्पून भर के हमने इसमें कॉर्नफ्लावर लिए है, और 1/2 टीस्पून नमक है और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है। इसमें हमने एक प्याले में पानी लिए है, और अभी हम बैंगन को इस तरह से कट करेंगे और उसको पानी में रखेंगे तो ये कैसा ब्लैक नहीं हो जाएगा। हमें ये साइज़ का कट करना है। इसको चम्मच लेंगे, इससे हम इसके साइड का इस तरह से निकालते आएंगे। ये हमें इस तरह निकालना है और इसको इस तरह हम करेंगे, सारे बैगन को हम इसी तरह करेंगे। ये हमने सारे इस तरह कट किए, और जो इसमें से जो निकला हुआ है इसको हम बारीक चॉप करेंगे। इस तरह से हम बारीक बारीक करेंगे। ये जो हमने कट करके लिए बैगन के जो अंदर साइड वाला है उसको इसमें डालेंगे हम, साथ ही इसमें हम शिमला मिर्च, टमाटर, स्प्रिंग अनियन, कैरोट और चिली ग्रीन, और इसमें नमक, ब्लैक पेपर पाउडर, और ये दो अंडे हैं इसको भी डालेंगे। साथ ही इसमें कॉर्नफ्लावर डालेंगे हम। अब ये सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है, अभी हम शुरू करेंगे बनाना। गैस पे हमने फ्राई पैन रखे है, इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाया है, और ये बैगन को जो हमने रिंग टाइप में कट किए इसको इस तरह रखेंगे। और ये जो रेडी करके रखा हुआ है इसको हम इसमें डालेंगे इस तरह से। अच्छा, प्रेस करेंगे इसको इस तरह। अभी इसको हम कवर करके रखेंगे। अभी इसकी हम साइड चेंज करेंगे। फिर 2 मिनट के लिए हम इसको धीमी आंच पे कवर करके रखेंगे। हम चेक करेंगे, ये हो गया है। इसको अभी हम एक प्लेट में निकालेंगे। ये आप देख सकते हैं ये दोनों साइड से अच्छी तरह से हो गया है। इसको एक प्लेट में हम निकालेंगे इस तरह से। बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। ये हो गया रेडी, हमने सर्व किए। बहुत ही अच्छा बना है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है खाने में। आप इसको सुबह नाश्ते में बना सकते हैं, शाम में इसको नाश्ते में चाय के साथ, या रात में डिनर में बहुत ही अच्छा लगता है। कोई गेस्ट आ गया तो मैं आपको दिखाती हूँ ये तोड़ कर। इसका खाने में टेस्ट बहुत ही लाजवाब है, ये आप देख सकते हैं। ये बहुत ही यमी लगता है, आप इसको केचप के साथ खा सकते हैं, चटनी के साथ। मैंने इसको गार्लिक सॉस के साथ रखी हूँ, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।